Start with some amino acids. Amino acid mein now this what is alpha, beta, what is DL, RS, optical activity and absorptions. There are some properties of amino acids. So one is like alpha and like beta. Alpha beta is like there is a carbon which is associated with the carboxylic group. Carboxylic group जो होते हैं इस तरीके से पाया जाता है. Carboxylic group जो होता है these are the सबसे ज़्यादा मॉलिकुलर वेट वाला ग्रुप होता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं कि इसको सबसे ज़्यादा नंबर, पहला नंबर जो प्राइमरी होता है वो अल्फा होता है. इसी तरीके से जो भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जुड़ा हुआ हो, पहला ग्रुप जो है उससे जुड़ा हुआ अल्फा, उसके बाद अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्साइलन. किस वे में चलता है? अल्फा देन बीटा देन गामा देन डेल्टा देन एप्साइलन, इस वे में चलता रहता है. अगर कोई भी अमीनो ग्रुप, अल्फा बीटा अमीनो एसिड नॉमेनक्लेचर जो है, दैट अमीनो ग्रुप कहाँ पे बाइंडेड है, किस कार्बन से बाइंडेड है, वो डिसाइड करता है आपके कि वो अल्फा होगा या बीटा होगा, डेल्टा होगा, एप्साइलिन होंगे. ये सारी चीज़ें के ऊपर बात की जाती है. सी हियर, इन दिस पर्टिकुलर केस इफ अमीनो ग्रुप इज बाइंडेड विद दिस अल्फा कार्बन देन दिस इज नोन एज अल्फा अमीनो एसिड. अगर ये अल्फा कार्बन से बाइंडेड है तो अल्फा अमीनो एसिड कहलाएगा. अगर यहीं पे ये अमीनो ग्रुप बीटा कार्बन से यहाँ पे बाइंडेड है तो दिस वुड बी बीटा अमीनो एसिड. तो अमीनो ग्रुप किस कार्बन से बाइंडेड है वही जो होता है वो बताता है कि वो अल्फा अमीनो एसिड होगा या बीटा अमीनो एसिड होगा. सिमिलरली डी एल कॉन्फिग्रेशन अगेन अमीनो ग्रुप के ऊपर बात की जाती है. अमीनो ग्रुप लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में है उसके बेसिस पे जो होता है इसकी बात की जाती है. यू हैव टू सी दैट अमीनो ग्रुप कहाँ पे बाइंडेड है. जैसे यहाँ पे आपने देखा था कि वो किससे अटैच्ड है, अल्फा से, और यहाँ पे देखा था बीटा से अटैच्ड है. यहाँ पे अमीनो ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, राइट और लेफ्ट, उसी पे ये होता है एल और डी. ठीक है, दिस इज नॉट स्मॉल एन एंड स्मॉल डी, वो दोनों अलग अलग होते हैं. यहाँ पे अगर मैं स्मॉल एल और स्मॉल डी के ऊपर बात करूँ, दैट स्मॉल एल एंड स्मॉल डी, इसका जो होता है दैट शुड बी लीवो, इसका मतलब होता है लीवो और इसका मतलब होता है डेक्स्ट्रो. मतलब किसी भी लाइट को, ये जो है प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, और ये जो हो जाएगा वो रोटेट करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. सो ये रोटेशंस की बात होती है, जबकि कैपिटल डी एंड कैपिटल एल इज ऑल अबाउट द अमीनो ग्रुप पोजीशन, कि इसका पोजीशन क्या है. ठीक है, लेफ्ट है और राइट है. अगर आप इस चीज को देखेंगे यहां पे, सी हियर, अगर ये लेफ्ट साइड में प्रेजेंट था तो दिस शुड बी एल अमीनो एसिड, एंड अगर ये राइट साइड में प्रेजेंट था तो इट शुड बी डी अमीनो एसिड. ये जो है आपका डी अमीनो एसिड्स हो जाता है. नाउ इसी के तरीके से जब हम बात करेंगे नेक्स्ट वन, दैट इज लाइक आर एन एस कॉन्फिग्रेशन. आर एन एस कॉन्फिग्रेशन मॉलिकुलर वेट पे किसी भी पर्टिकुलर, जैसे अमीनो का एक है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड मतलब सी ओ एच का जो हो जाएगा, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप का 2 एंड मेथाइल ग्रुप का 3, ये जब इस तरीके के चल रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये कैसा डायरेक्शन है, दैट इज क्लॉकवाइज. जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है तो दिस शुड बी आर आइसोमर, एंड अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलने लगेगा दिस शुड बी एस आइसोमर. तो ये होते हैं आपकी चीजों के ऊपर. नाउ इसके बाद आ जाता है दैट शुड बी ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड एब्जॉर्प्शन. कोई भी पर्टिकुलर अमीनो एसिड जो होते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए, देयर शुड बी द काइरल नेचर. ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए कायरलिटी का नेचर, कायरल नेचर होना चाहिए. दैट एक पर्टिकुलर जो होते हैं वो आपके एक कार्बन चार डिफरेंट ग्रुप से बाइंडेड हो सिंगल से, दैट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी. ऑप्टिकल एक्टिव अमीनो एसिड में ग्लाइसिन, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर कि ग्लाइसिन जो होता है, ग्लाइसिन नॉट ऑप्टिकल एक्टिव. ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होता जबकि आइसोल्यूसिन के पास 2 काइरल सेंटर पाए जाते हैं, मतलब 2 इसके पास जो होते हैं ऑप्टिकल एक्टिव सेंटर्स पाए जाते हैं. कई सारे अमीनो एसिड जिनके पास पाई इलेक्ट्रॉन का रीलोकलाइजेशन होते हैं, जैसे कि एरोमेटिक अमीनो एसिड, जैसे कि एरोमेटिक अमीनो एसिड, वो क्या करते हैं, वो एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. इनके पास एक बेंजीन रिंग होती है जिनमें कि पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रीलोकलाइज करते रहते हैं, जो कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं. उनमें एरोमेटिक अमीनो एसिड्स में 3 आते हैं जिसको बोल जाता है W फॉर ट्रिप्टोफैन, Y, F.
डब्ल्यू एब्जॉर्ब करता है 280 नैनोमीटर पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, टायरोसिन करता है 274 पे, फिनाइल एलिनिन करता है 254 पे। तो फिनाइल एलिनिन यहाँ पे करेगा, मान लीजिए कि ये ग्राफ थोड़ा सा एक्यूरेट नहीं बना है, टायरोसिन 274 एंड दिस वुड बी लाइक ट्रिप्टोफैन 280। ये अलग अलग जो होते हैं इनकी पीक एब्जॉर्प्शन का वेवलेंथ है, कौन किस वेवलेंथ पे मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड। नाउ देयर इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, देयर इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, दैट अमीनो एसिड कैन बी क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिकर्सर। अकरेंस के बेसिस पे अगर बात करें तो देयर इज 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स, ठीक है, देयर इज लाइक 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड एंड मोर देन 500 नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड इज देयर। When we're talking about the on the basis of R group, it can be classified aliphatic, aromatic, hydroxyl containing. Aliphatic is like gavali, G-A-V-L-I, that is aliphatic. Aromatic is like wife, hydroxyl containing is like serine threonine, sulfur containing cysteine methionine, these are the some R group. Iske alawa, on the basis of requirement, agar requirement ke basis pe dekhenge, तो दिस लाइक वेरी इंपॉर्टेंट एल टी एल टी, यहाँ पे प्री इज नॉट प्रोलिन, टी इज नॉट टायरोसिन, इनके अलग अलग कोड्स भी होते हैं, वो भी आपको डिस्कस किए जाएंगे। सेमी एसेंशियल आर्जिनिन और हिस्टिडीन इज देयर एंड नॉन एसेंशियल A3G3 PCS टेस्ट, एक अलग अलग कोड्स होते हैं, इसके अलावा और भी कोड्स आपके डिस्कस किए जाते हैं। नाउ नेचर के बेसिस पे बात करेंगे, पोलर नॉन पोलर, चार्ज्ड अनचार्ज्ड, सिस्टीन सेरीन थ्रियोनिन टायरोसिन, ये सारे के सारे पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। चार्ज में पॉजिटिव जो हो जाएगा वो आपका HR के, नेगेटिव में D आ जाएंगे। एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिकर्सर्स में ये आपके कुछ कोड्स आ जाते हैं, कीटोजेनिक, ग्लूकोजेनिक एंड ग्लूकोकीटोजेनिक। तो इसको याद रखने का और भी तरीका है, कोड्स के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो कोड्स के ऊपर देखने की कोशिश करिएगा। दैट नॉन पोलर के लिए, दैट गांव के लोग पिलो लगा के FM सुनते हैं, दैट इज द कोड हियर। गांव के लोग पिलो लगा के FM सुनते हैं, दैट GAV फॉर नॉन पोलर, PIL फॉर लाइक प्रोलिन आइसोल्यूशन ल्यूसिन, W फॉर ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलिनिन एंड मेथियोनिन, ये सारा का सारा जो है नॉन पोलर है। पोलर अनचार्ज्ड में दैट स्मॉल टाउन चंगू न्यू क्वेश्चन पूछता है, दैट STC स्मॉल टाउन चंगू न्यू क्वेश्चन, दैट N एस्पैरजीन, दिस इज N एंड उसके बाद आ जाएगा दैट Q फॉर ग्लूटामिन। पोलर चार्ज के लिए फॉर पॉजिटिव फॉर HR के, एंड ED फॉर द दैट नेगेटिव एसिडिक एसिड, ये सारे सिंगल लेटर कोड है। अगर आपको सिंगल लेटर कोड नहीं याद है तो याद जरूर कर लीजिएगा, सिंगल लेटर कोड में कुछ कुछ चीज़ें होती है जो आपको ध्यान रखना है, बाकी चीज़ें आप रिमेंबर जरूर करके कर लीजिएगा सिंगल लेटर कोड्स के ऊपर जब हम बात करते हैं। नाउ दिस लिक अगर नहीं पता है, जैसे ये तो नॉर्मल था, W ट्रिप्टोफैन होता है, वाइफ का किस्सा आपको याद हो ही गया होगा जो मैंने बता दिया था, DE जो है आपके क्या है एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामेट होते हैं, N फॉर एस्पैरजीन हो गया, Q फॉर ग्लूटामिन हो गया, H फॉर हिस्टिडीन, R फॉर आर्जिनिन, K फॉर लाइसिन, बस यही इतना ही तो याद करना है, बाकी तो कुछ आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। कोड्स अगर एसेंशियल अमीनो एसिड के लिए, दैट माई वेरी टैलेंटेड फ्रेंड वेटिंग फॉर काजोल, MVTFWKFKL, दिस इज फॉर, ये सारे के सारे सिंगल लेटर कोड अमीनो एसिड है। सेमी एसेंशियल दैट इज राहुल, कौन सा फ्रेंड कर रहा था, राहुल कर रहा था। ग्लूकोकीटोजेनिक, ग्लूकोकीटोजेनिक के लिए ITWYF, दिस इज वॉट, अगर देखने की कोशिश करना बहुत सिंपल सा है, पहला कोड देखने की कोशिश करिएगा कि गांव के लोग पिलो लेकर FM सुनते हैं, गांव के लोग पिलो लेकर FM सुनते हैं, दिस इज फॉर G फॉर ग्लाइसिन, A फॉर एलेलिन, V फॉर वैलिन, P फॉर प्रोलिन, I फॉर आइसोल्यूसिन, L फॉर ल्यूसिन, W फॉर ट्रिप्टोफैन, F फॉर फिनाइल एलिन, M फॉर मेथियोनिन, दिस इज नॉन पोलर वन। पोलर चार्ज अनचार्ज के लिए क्या हो जाएगा, STC NQ स्मॉल टाउन चंगू न्यू क्वेश्चन पूछता है, दैट S फॉर सेरीन, T फॉर थ्रियोनिन, C फॉर सिस्टीन, N फॉर एस्पैरजीन, Q फॉर ग्लूटामिन। इसके बाद पोलर चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज, दैट शुड बी बेसिक अमीनो एसिड, दैट HRK मतलब हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, एंड नेगेटिव का मतलब है दैट इज ग्लूटामेट एंड स्पार्टेट, दैट इज एसिडिक अमीनो एसिड। नाउ अगर हम एसेंशियल अमीनो एसिड्स के ऊपर बात करते हैं तो एसेंशियल अमीनो एसिड लाइक माई वेरी टैलेंटेड फ्रेंड इज वेटिंग फॉर काजोल, मेरी वेरी टैलेंटेड फ्रेंड जो है वेटिंग फॉर काजोल, दैट MVTFWFK
KL. This is like ये सारे single letter है, मेथियोनिन, वैलिन, लाइक थ्रियोनिन, फिनाइल एलिनिन, ट्रिप्टोफैन, ठीक है. ये F यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होगा. दिस KL, ये सारे के सारे essential amino acids है. सेमी essential RNH, arginine एंड हिस्टिडीन, ठीक है. ग्लूकोजेनिक, ये तो थे essential, सेमी essential, बाकी रेस्ट जो हो जाएंगे, अगर कहीं पूछेंगे कि सर आपने नॉन essential नहीं बताया, तो भैया मेरे नॉन एसेंशियल का मतलब अगर एसेंशियल सेमी एसेंशियल पढ़ लिया तो जो रेस्ट हो जाएगा वो नॉन एसेंशियल हो जाएगा ना. तो आराम से इस चीज़ को एलिमिनेट करके लर्न कर सकते हो. नाउ जैसे ही मेरी वेरी टैलेंटेड फ्रेंड जो काजोल के लिए, मेरा जो वेरी टैलेंटेड फ्रेंड था काजोल के लिए वेट कर रहा था, कौन? राहुल. राहुल को आप जानते होंगे, राज और राहुल तो बहुत फेमस था, राहुल और काजोल, ठीक है. इसके अलावा जो है ग्लूकोकीटोजेनिक, अगर हम ग्लूकोकीटोजेनिक इसमें प्रिकर्सर के बेसिस पे अगर बात करें तो ग्लूकोकीटोजेनिक, जो ग्लूकोज और कीटोजेनिक दोनों पे जा रहा है, तो दैट ITWIF, इतनी टैलेंटेड वाइफ. राहुल को जब काजोल मिलती तो कहता है इतनी टैलेंटेड वाइफ. दिस इज आइसोल्यूसिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड फिनाइलएलेनिन, आई ग्लूकोकीटोजेनिक. व्हाट इज कीटोजेनिक, कौन था उसकी वाइफ? काजोल, KL, दैट लाइसिन एंड ल्यूसिन एंड रेस्ट आर द ग्लूकोजेनिक. These are the various types of like amino acids जो classify किया गया था, चाहे non polar, polar, polar charged, polar uncharged, एंड उसके बाद था कि essential, non essential, semi essential, glucogenic, ketogenic, ये सारी चीज़ें. तो these classifications जो है आपको इन कोर्स के साथ डिस्कस कर दिया गया है, ठीक है. चलिए, सो अगर स्ट्रक्चर्स के ऊपर जब हम बात करते हैं तो स्ट्रक्चर्स के लिए देयर आर सम थिंग्स. नॉन पोलर एलिफैटिक आर ग्रुप, दीज आर द HCH3, CHCH3 है, यहाँ पे CH2, मतलब बहुत सिंपल सिंपल स्ट्रक्चर्स होते हैं. कुछ कुछ ध्यान रखने की कोशिश करिएगा, इसमें ग्लाइसिन मैच होता है, इसी वजह से दो H हो जाते हैं, इसी वजह से नॉन कायरल हो जाता है. एलेनिन में सिर्फ CH3, एक कायरल सेंटर इसके साथ साथ वैलिन में है, ये कायरल सेंटर इस तरीके से चल रहा है. फिर ल्यूसिन है, फिर ये है, फिर आइसोल्यूसिन में दो कायरल सेंटर, एक ये दो सेंटर्स हो जाते हैं. सो डिफरेंट डिफरेंट केसेस में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग जो है कायरल सेंटर्स, इसके पास दो कायरल सेंटर है, इसके पास जीरो हो जाता है, बाकी सबके पास एक एक कायरल सेंटर होते हैं. तो दीज आर द केसेस जहाँ पे स्ट्रक्चर की बात की जाती है. अलग अलग ग्रुप जो होते हैं वो पाए जाते हैं, ग्रुप के ऊपर जो होते हैं, ये जो होते हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं कि हाय आज गेटवे ऑफ इंडिया चलते हैं. अगर आपसे पूछा जाए दैट हाय, ठीक है, हिस्टिडीन में कौन सा ग्रुप पाया जाएगा, दिस ग्रुप इज नोन एज इमैडाजोल, इमैडाजोल, इमैडाजोल हाय आज गेटवे ऑफ इंडिया चलते हैं आज AG. आर्जिनिन में कौन पाया जाएगा, ग्वानीडैनो. आर्जिनिन में जो ग्रुप पाया जाएगा दिस शुड बी लाइक ग्वानीडैनो, ठीक है, ग्वानीडैनो, ठीक है, ग्वानीडैनो ग्रुप आ जाएगा, गेटवे ऑफ इंडिया चलते हैं. सो लाइक टी, ट्रिप्टोफैन में जो पाया जाएगा दैट शुड बी इंडोल ग्रुप. ये कौन सा है, इंडोल ग्रुप है. तो ये जो है आपके पास पूरा का पूरा केस जो पाया जा रहा है, दिस इज हिस्टिडीन, आर्जिनिन और ट्रिप्टोफैन में ये अलग अलग ग्रुप्स जो है वो पाया जा रहा है. हाय, इसका कोड क्या बताया मैंने, हाय आज गेटवे ऑफ, गेटवे यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया चलते हैं, ठीक है. सो दिस इज़ द कोड हियर, यू कैन यूज़ इट फॉर द रिमेंबर कि किस में कौन सा ग्रुप पाया जाता है,